जो एनकाउंटर किए हैं हैदराबाद पुलिस का, पुलिस ने पहले तो मैं उनको तहे दिल से सलाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो इस तरह का कदम उठाया। देखिए बलात्कार तो हर कोई बंदा, हर कोई जो दरिंदा इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बारी सोचेगा कि कभी मेरे साथ भी ऐसा ना हो। 100% तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 80% तो ये इस तरह के कांड में जो है कमी आएगी। और भी बहुत तरह के हैं कि अगर पता चले कि इसने जो है इस तरह का कांड किया है तो पुलिस को एट द स्पॉट उसको गोली मार देनी चाहिए। बलात्कार के केसों में पक्का कानून बनना चाहिए। जब हमें पता चले कि यही आरोपी है, इन्होंने ही घृणित काम किया है, तो एट द स्पॉट उनको जो है सजाए मौत देनी चाहिए। असली में आज ही दशहरा है, आज ही उन रावण जो चार रहे बंदे उनको जो है मारा गया है। जहाँ दिखाई दरिंदगी वहीं मिटाई गंदगी, यानी कि जहाँ पर उस बच्चे को मारा गया जिंदा जला के, वहीं पे है जो हैदराबाद पुलिस ने उनको मार गिराया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखा जाए तो अरेस्ट हो जाता है रेपिस्ट का, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हुआ है, अभी न्यू न्यूज़ आई है, तो वो भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। बट अगर पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया है, ये एक तरह से एक लॉ में है, हमें जो हमें सेक्शन 46 CRPC प्रोवाइड करता है कि पुलिस मतलब डेथ ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, बिफोर इम्प्रिजनमेंट मतलब दे सकती है, तो ये बहुत सही किया है पुलिस ने, और ये इलीगल नहीं है। सो मुझे तो लगता है कि हर केस में, लाइक हर रेप केस में पुलिस को ये स्टेप उठाना चाहिए। जब आपको प्रूफ है, हर प्रूफ अगर सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ इंसान रेपिस्ट है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत स्टेप उठाया है, ये बिल्कुल सही स्टेप उठाया है। मैं तो ये चाहती हूँ कि कानून ही ऐसा बनना चाहिए कि उनको वहीं पर जला देना चाहिए, जैसे कि लड़कियों के साथ कर रहे हैं वैसे ही उनको भी जला देना चाहिए, वो भी तड़प तड़प कर मारे। और कानून भी हमें ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों के और औरतों के लिए, हर इंसान के लिए।